दोस्तों महाभारत न्याय अन्याय धर्म अधर्म के बीच का युद्ध था, लेकिन एक युद्ध इसमें शामिल होने वाले हर योद्धा के मन में भी चल रहा था। इस युद्ध में शामिल होने वाले ऐसे कई योद्धा थे जो सही गलत के बीच का अंतर जानते हुए भी अधर्म के साथ खड़े थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था राजधर्म का पालन करना। इसी तरह विदुर भी किसी के पक्ष में युद्ध का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन एक बात की उन्हें आत्मग्लानी महसूस होती थी कि अनुभवी और वरिष्ठ होने पर भी वो भाइयों के बीच युद्ध को रोक पाने में सफल नहीं हो सके। अब कैसे, तो आइए जानते हैं। विदुर की अंतिम इच्छा, युद्ध के समय वो श्री कृष्ण से मिले और मन की गांठें खोलते हुए अपनी अंतिम इच्छा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, प्रभु मैं धरती पर इनका प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानी का अनुभव कर रहा हूं। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने मृत शरीर का एक अंश भी इस धरती पर छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरे शरीर को ना ही जल में प्रवाहित करें और ना ही दफनाएं या जलाएं, बल्कि मेरे शव को आप सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। और श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली। प्राण छोड़कर युधिष्ठिर में समाहित हुए विदुर। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर एक दिन पांचों पांडव विदुर से मिलने वन में आए। युधिष्ठिर विदुर से मिलने के लिए उनके पास आए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी के प्राण शरीर छोड़कर युधिष्ठिर में समाहित हो गए। युधिष्ठिर को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। युधिष्ठिर को दुविधा में देखकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले, विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए विदुर के प्राण तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु पहले विदुर काका का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से कर दो। श्री कृष्ण बोले, इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को न जलाना न दफनाना और न जल में प्रवाहित करना, मेरे शव को सुदर्शन चक्र का रूप प्रदान करके धरा पे स्थापित कर देना। हे युधिष्ठिर, आज मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करके विदुर को सुदर्शन का रूप देकर यहीं स्थापित करूंगा। इस तरह श्री कृष्ण ने विदुर को सुदर्शन का रूप देकर वहीं स्थापित कर दिया। दोस्तों आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। उस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।